हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंडम वीडियोस विद निशी। और मैं हूँ निशी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैंने इस चैनल पे शुरू किया हुआ है नवरात्रि सीरीज, और आज मैं लेकर आई हूँ येलो मेकअप लुक। जी हाँ दोस्तों, ये जो आज येलो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए हैं मैंने इसके लिए। मैंने कोई फाउंडेशन यूज नहीं की है, कोई कंसीलर यूज नहीं किया है, इवन लिपस्टिक भी नहीं यूज की है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि मैंने बिल्कुल मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करके ये लुक कैसे क्रिएट की है, तो आपको देखनी है वीडियो एंड तक। और हाँ, अगर आप बिगिनर्स हैं और आपका ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, तो भी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे, और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ बेला वॉस्टे का ब्राउ लाइनर। इससे मैं अपने ब्राउज को एनहांस कर लूंगी। यहाँ पे जो भी गैप्स होंगे आपके ब्राउज में, इसकी मदद से आप उसे फिल कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हल्का सा गैप है मुझे, मैं इसे फिल कर रही हूँ। और इसी के दूसरी साइड स्पूलिंग ब्रश है, इसी की मदद से मैं इसे अच्छे से कॉम कर लूंगी, ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे और ये नेचुरल लगे। अब ब्राउन आई शेडो लेकर मैं इसे क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ, ताकि मेरी आईज को एक ट्रांजिशन कलर मिल जाए और ये बिल्कुल डल या प्लेन ना लगे। इस तरह से आपको क्रीज लाइन पे लगाना है और अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना है, ताकि कोई हार्श एजेस ना रह जाए और नेचुरल लगे। अब मेरी DIY सेटिंग स्प्रे से ब्रश पे स्प्रे कर लूंगी और इनर कॉर्नर्स पे इस तरह से लगा लूंगी, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। जब तक आपको डिजायर्ड कलर ना मिल जाए, आप 2-3 कोट्स लगा सकते हैं। और DIY सेटिंग स्प्रे से स्प्रे करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसी से आपका कलर ज्यादा पॉप आउट होगा। अब येलो आई शेडो के ऊपर मैं लूज ग्लिटर यूज कर रही हूँ। इस तरह से दिखता है और ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है मेरा, बट ये बाजार से फुल मिलेगा आपको, और ये 5 या 10 रुपए का मिल जाता है बाजार से। इस तरह से अगेन सेम ब्रश यूज करके आपको इसी के ऊपर लगाना है डैबिंग मोशन में, ताकि थोड़ा और पॉप आउट हो जाए कलर, और बी केयरफुल कि ये आईज के अंदर ना चले जाए। एंड या मस्कारा के लिए मेबेलिन द हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा यूज कर रही हूँ। हमने आई मेकअप बिल्कुल सिंपल रखा है, इसीलिए मस्कारा लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से मस्कारा का 2-3 कोट लगा लें। आई मेकअप के बाद मैं यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर यूज कर रही हूँ। इसे मैं पूरे फेस पे और नेक पे लगा लूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और फ्रेंड्स, आज के मेकअप में मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमर ही यूज कर रही हूँ, कोई कंसीलर या कोई फाउंडेशन नहीं यूज कर रही। ये मेकअप जो प्राइमर है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, और इसे मैं मॉइस्चराइजर के बाद लगा रही हूँ, और ये आपको एक अलग सी ही फ्रेश लुक देगा। फेस प्राइमर के बाद मैं अपने फेस को अपलिफ्ट करने के लिए एक हाइलाइटर का यूज कर रही हूँ, और मैं इसे फैन ब्रश से अप्लाई करूंगी। आप चाहें तो फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिवाना कलर्स शाइनिंग स्टार शिमर ब्रिक यूज कर रही हूँ, और इसका नंबर है 01।
इस पर्टिकुलर हाइलाइटर की मैंने एक अलग से वीडियो डिटेल में की है, इसका रिव्यू किया है, आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगी। आज हमने बिल्कुल सिंपल मेकअप लुक रखा है और जैसे मैंने बोला है कि आज मैं कोई लिपस्टिक नहीं अप्लाई करूंगी, तो आज मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ VLCC लवेबल लिप्स चेरी लिप बाम। और इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर इयररिंग्स पहन रही हूँ। तो आज की मेकअप लुक यही थी, आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, उसके साथ ही बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको पर्सनल नोटिफिकेशन जाए कि निशी ने एक वीडियो अपलोड की है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।